अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से वो पागल सी के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वो पागल सी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वो पागल सी के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सारा बुआ के घर पर रह रही है, जिसके बाद सारा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है क्योंकि उसका जहीन की याद भी आ रही है। उसके बाद बुआ उसको यही समझाती है सारा को कि सारा ये दुनिया बहुत जालिम है, इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ शोहर का या फिर बाप का घर होता है और अगर वो घर ना हो तो उस लड़की की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। या तो तुम वापस अपने बाबा के पास चली जाओ या फिर तुम जहीन के पास चली जाओ, क्योंकि शोहर का घर होता है या फिर उसके बाप का घर होता है, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। ये सारी बातें सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद जहाँ पर बुआ रह रही हैं वो मालिक मकान आता है, उनको धमकियां लगाता है। सारा फिर यही फैसला करती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद सारा बुआ से कहती है कि बुआ अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। सारा की ये बात सुन के बुआ खुश हो जाती है, वो यही समझ रही है शायद सारा वापस जहीन के पास चली जाएगी। जिसके बाद बुआ यही सारा से पूछती है कि सारा क्या तुम वापस जहीन के पास जाना चाह रही हो। ये बात सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और दुखी सी हो जाती है और बुआ से यही कहती है कि बुआ मैं जहीन के पास नहीं जा सकती, मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँगी। जो कुछ मैंने जहीन के साथ किया बहुत गलत किया है, मैं किस मुँह से उसको बुलाऊँ यहाँ पर। जिसके बाद बुआ यही मशवरा देती है सारा को, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बुला लेती हूँ जहीन को। लेकिन सारा यही कहती है कि नहीं आप फिक्रमंद ना हो मेरे लिए, मैं चली जाऊँगी जहाँ पर मेरा ठिकाना होगा। जबकि दूसरी तरफ सारा मुश्किल में आने वाली है और जहीन को उसकी परवाह हो रही है। जहीन ख्वाब में देखता है कि जैसे सारा बड़ी मुश्किल में आ गई है, बहुत परेशान और दुखी सी है, तो वहीं पर बस स्टॉप पे सारा और जहीन का आमना सामना हो जाएगा। जिसके बाद सारा को इस हालत में देख के जहीन एकदम परेशान हो जाएगा और जहीन यही फैसला करेगा कि वो सारा को अपने साथ अपने घर पे लेके जाएगा। सारा भी मान जाएगी और जहीन से अपनी गलती की माफ़ी मांग देगी। तो वहीं पर एहसान साहब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं सारा के लिए क्योंकि उनकी बेटी है। जिसके बाद वहाँ शाजमा से यही कहता है कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि एहसान साहब को क्या परेशानी है। जिसके बाद वहाज कहता है कि वो अपनी बेटी सारा के लिए परेशान हो रहे हैं, मेरा शक बिल्कुल ठीक गया। ये बात सुन के शाजमा एकदम गुस्से में आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ जहीन और सारा एक दूसरे के साथ रक्षे में जा रहे होते हैं, तो वहीं पर एहसान साहब जब जहीन और सारा को एक साथ देखते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं कि सारा सही है, ठीक है, वरना वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। यानी बेला भी यही कहती है अपने बाबा से कि बाबा आपको सारा के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि बेटी है, सारा हमारी बहन है, आप इस तरह से अनजान मत बने बल्कि सारा का ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सारा वापस जहीन के साथ घर पे आ जाएगी और अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी खुशी जहीन के साथ गुजारेगी। यानी ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी टीम तरह के जा कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से वो पागल सी के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वो पागल सी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वो पागल सी के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सारा बुआ के घर पर रह रही है, जिसके बाद सारा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है क्योंकि उसका जहीन की याद भी आ रही है। उसके बाद बुआ उसको यही समझाती है सारा को कि सारा ये दुनिया बहुत जालिम है, इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ शोहर का या फिर बाप का घर होता है और अगर वो घर ना हो तो उस लड़की की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। या तो तुम वापस अपने बाबा के पास चली जाओ या फिर तुम जहीन के पास चली जाओ, क्योंकि शोहर का घर होता है या फिर उसके बाप का घर होता है, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। ये सारी बातें सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद जहाँ पर बुआ रह रही हैं वो मालिक मकान आता है, उनको धमकियां लगाता है। सारा फिर यही फैसला करती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद सारा बुआ से कहती है कि बुआ अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। सारा की ये बात सुन के बुआ खुश हो जाती है, वो यही समझ रही है शायद सारा वापस जहीन के पास चली जाएगी।
जिसके बाद वो यही सारा से पूछती है कि सारा क्या तुम वापस जहीन के पास जाना चाह रही हो। ये बात सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और दुखी सी हो जाती है और बुआ से यही कहती है कि बुआ मैं जहीन के पास नहीं जा सकती, मैं किस मुँह से उसके पास जाऊंगी, जो कुछ मैंने जहीन के साथ किया बहुत गलत किया है, मैं किस मुँह से उसको बुलाऊं यहाँ पर। जिसके बाद बुआ यही मशवरा देती है सारा को, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बुला लेती हूँ जहीन को। लेकिन सारा यही कहती है कि नहीं आप फिक्रमंद ना हो मेरे लिए, मैं चली जाऊंगी जहाँ पर मेरा ठिकाना होगा। जबकि दूसरी तरफ सारा मुश्किल में आने वाली है और जहीन को उसकी परवाह हो रही है। जहीन ख्वाब में देखता है कि जैसे सारा बड़ी मुश्किल में आ गई है, बहुत परेशान और दुखी सी है, तो वहीं पर बस स्टॉप पे सारा और जहीन का आमना सामना हो जाएगा। जिसके बाद सारा को इस हालत में देख के जहीन एकदम परेशान हो जाएगा और जहीन यही फैसला करेगा कि वो सारा को अपने साथ अपने घर पे लेके जाएगा। सारा भी मान जाएगी और जहीन से अपनी गलती की माफ़ी मांग देगी। तो वहीं पर एहसान साहब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं सारा के लिए, क्योंकि उनकी बेटी है। जिसके बाद वहाँ शाजमा से यही कहता है कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि एहसान साहब को क्या परेशानी है। जिसके बाद वहाज कहता है कि वो अपनी बेटी सारा के लिए परेशान हो रहे हैं, मेरा शक बिल्कुल ठीक गया। ये बात सुन के शाजमा एकदम गुस्से में आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ जहीन और सारा एक दूसरे के साथ रक्षे में जा रहे होते हैं, तो वहीं पर एहसान साहब जब जहीन और सारा को एक साथ देखते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं कि सारा सही है, ठीक है, वरना वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। यानी बेला भी यही कहती है अपने बाबा से कि बाबा आपको सारा के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि बेटी है, सारा हमारी बहन है, आप इस तरह से अनजान मत बने, बल्कि सारा का ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सारा वापस जहीन के साथ घर पे आ जाएगी और अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी खुशी जहीन के साथ गुजारेगी। यानी ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी टीम तरह के जा कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सारा बुआ के घर पे रह रही है, जिसके बाद सारा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है, क्योंकि उसको जहीन की याद भी आ रही है। उसके बाद बुआ उसको यही समझाती है सारा को कि सारा ये दुनिया बहुत जालिम है, इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ शोहर का या फिर बाप का घर होता है, और अगर वो घर ना हो तो उस लड़की की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। या तो तुम वापस अपने बाबा के पास चली जाओ या फिर तुम जहीन के पास चली जाओ, क्योंकि शोहर का घर होता है या फिर उसके बाप का घर होता है, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। ये सारी बातें सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद जहाँ पर बुआ रह रही हैं वो मालिक मकान आता है, उनको धमकियाँ लगाता है। सारा फिर यही फैसला करती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद सारा बुआ से कहती है कि बुआ अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। सारा की ये बात सुन के बुआ खुश हो जाती है, वो यही समझ रही है शायद सारा वापस जहीन के पास चली जाएगी। जिसके बाद बुआ यही सारा से पूछती है कि सारा क्या तुम वापस जहीन के पास जाना चाह रही हो। ये बात सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और दुखी सी हो जाती है और बुआ से यही कहती है कि बुआ मैं जहीन के पास नहीं जा सकती, मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँगी, जो कुछ मैंने जहीन के साथ किया बहुत गलत किया है, मैं किस मुँह से उसको बुलाऊँ यहाँ पर। जिसके बाद बुआ यही मशवरा देती है सारा को, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुला लेती हूँ जहीन को। लेकिन सारा यही कहती है कि नहीं आप फिक्रमंद ना हो मेरे लिए, मैं चली जाऊँगी जहाँ पर मेरा ठिकाना होगा। जबकि दूसरी तरफ सारा मुश्किल में आने वाली है और जहीन को उसकी परवाह हो रही है। जहीन ख्वाब में देखता है कि जैसे सारा बड़ी मुश्किल में आ गई है, बहुत परेशान और दुखी सी है, तो वहीं पर बस स्टॉप पे सारा और जहीन का आमना सामना हो जाएगा। जिसके बाद सारा को इस हालत में देख के जहीन एकदम परेशान हो जाएगा और जहीन यही फैसला करेगा कि वो सारा को अपने साथ अपने घर पे लेके जाएगा। सारा भी मान जाएगी और जहीन से अपनी गलती की माफ़ी मांग देगी। तो वहीं पर एहसान साहब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं सारा के लिए, क्योंकि उनकी बेटी है। जिसके बाद वहाँ शाजमा से यही कहता है
कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि एहसन साहब को क्या परेशानी है, जिसके बाद वहाज कहते हैं कि वो अपनी बेटी सारा के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा शक बिल्कुल ठीक गया। ये बात सुनकर शाहजुमे एकदम गुस्से में आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ जहीन और सारा एक दूसरे के साथ रक्षे में जा रहे होते हैं, तो वहीं पर एहसन साहब जब जहीन और सारा को एक साथ देखते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं कि सारा सही है, ठीक है, वरना वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। यानी बेला भी यही कहती है अपने बाबा से कि बाबा आपको सारा के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि बेटी है, सारा हमारी बहन है, आप इस तरह से अनजान मत बने, बल्कि सारा का ख्याल रखें, उसको ध्यान रखें। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सारा वापस जहीन के साथ घर पे आ जाएगी और अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी खुशी जहीन के साथ गुजारेगी। यानी ड्रामा से वो पागल से कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से वो पागल से कि नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी टीम तरह के जा कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल पे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सारा बुआ के घर पर रह रही है, जिसके बाद सारा बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है, क्योंकि उसको जहीन की याद भी आ रही है। उसके बाद बुआ उसको यही समझाती है सारा को कि सारा ये दुनिया बहुत जालिम है, इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ शोहर का या फिर बाप का घर होता है, और अगर वो घर ना हो तो उस लड़की की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। या तो तुम वापस अपने बाबा के पास चली जाओ या फिर तुम जहीन के पास चली जाओ, क्योंकि शोहर का घर होता है या फिर उसके बाप का घर होता है, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। ये सारी बातें सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद जहाँ पर बुआ रह रही हैं वो मालिक मकान आता है, उनको धमकियां लगाता है। सारा फिर यही फैसला करती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद सारा बुआ से कहती है कि बुआ अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। सारा की ये बात सुन के बुआ खुश हो जाती है, वो यही समझ रही है शायद सारा वापस जहीन के पास चली जाएगी। जिसके बाद बुआ यही सारा से पूछती है कि सारा क्या तुम वापस जहीन के पास जाना चाह रही हो। ये बात सुन के बुआ की सारा एकदम परेशान सी हो जाती है और दुखी सी हो जाती है, और बुआ से यही कहती है कि बुआ मैं जहीन के पास नहीं जा सकती, मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँगी, जो कुछ मैंने जहीन के साथ किया बहुत गलत किया है, मैं किस मुँह से उसको बुलाऊँ यहाँ पर। जिसके बाद बुआ यही मशवरा देती है सारा को, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुला लेती हूँ जहीन को। लेकिन सारा यही कहती है कि नहीं, आप फिक्रमंद ना हो मेरे लिए, मैं चली जाऊँगी जहाँ पर मेरा ठिकाना होगा। जबकि दूसरी तरफ सारा मुश्किल में आने वाली है और जहीन को उसकी परवाह हो रही है। जहीन ख्वाब में देखता है कि जैसे सारा बड़ी मुश्किल में आ गई है, बहुत परेशान और दुखी सी है, तो वहीं पर बस स्टॉप पे सारा और जहीन का आमना सामना हो जाएगा। जिसके बाद सारा को इस हालत में देख के जहीन एकदम परेशान हो जाएगा और जहीन यही फैसला करेगा कि वो सारा को अपने साथ अपने घर पे लेके जाएगा। सारा भी मान जाएगी और जहीन से अपनी गलती की माफ़ी मांग देगी। तो वहीं पर एहसन साहब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं सारा के लिए, क्योंकि उनकी बेटी है। जिसके बाद वहाज शाजमा से यही कहता है कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि एहसन साहब को क्या परेशानी है। जिसके बाद वहाज कहता है कि वो अपनी बेटी सारा के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा शक बिल्कुल ठीक गया। ये बात सुन के शाजमा एकदम गुस्से में आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ जहीन और सारा एक दूसरे के साथ रक्षे में जा रहे होते हैं, तो वहीं पर एहसन साहब जब जहीन और सारा को एक साथ देखते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं कि सारा सही है, ठीक है, वरना वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। यानी बेला भी यही कहती है अपने बाबा से कि बाबा आपको सारा के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि बेटी है, सारा हमारी बहन है, आप इस तरह से अनजान मत बने, बल्कि सारा का ख्याल रखें, उसको ध्यान रखें। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सारा वापस जहीन के साथ घर पे आ जाएगी और अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी खुशी जहीन के साथ गुजारेगी। यानी ड्रामा से वो पागल से कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से वो पागल से कि नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी टीम तरह के जा कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल पे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।